सेंटर फ्रेश चूइंग गम प्रेजेंट्स कहानी कॉमेडी सर्कस की। कबाब में हड्डी किसी को भी पसंद नहीं आती, लेकिन आज हम कॉमेडी के कबाब में जो हड्डी लगाएंगे वो आप कभी नहीं भूल पाएंगे। बच्चे और टीवी के बीच में हड्डी बन गई है मम्मी जी। अब इस बच्चे पर क्या क्या गुजरेगी ये दिखाने आ रहे हैं भारती एज किड, सुगंधा एज मॉम एंड सिद्धार्थ एज वेरियस कैरेक्टर्स। सोच रहे होंगे कि मेरे को एकदम से आपके ऊपर प्यार क्यों आ गया। मेरे को अभी-अभी बैकस्टेज पता चला है कि 6 महीने बाद आपकी शेर खान शुरू होने वाली है। और हम ऐसे चापलूसियों वाले हैं ही नहीं लोग, हम बिल्कुल भी नहीं कहते कि हम दोनों नंबर इकट्ठे देंगे। ऐसे तो रोल मांगते हैं, आपको पता है ये चापलूसियां होती है कि नंबर इकट्ठे देंगे, लगा हम घर इकट्ठे जाएंगे। कूनी मार मार के रोल मांगना हमारे खून में है ही नहीं। ये बात ईमानदार है, टैलेंट से काम लेंगे, ऐसे नहीं कि मार मार के नीचे हाथ की मसाज करके। बिल्कुल भी नहीं, हम किधर जाएं बच्चे, हमें रोल के लिए दर दर भटकना पड़ता है, दर दर ऑडिशन देने पड़ते हैं। भगवान ने भी हमारे साथ इंसाफ नहीं किया। आज हमारी इज्जत होती अगर भगवान हम बच्चों को नंगा पैदा ना करता। नहीं मम्मा, फैक्ट्री से मजदूरी करके लौट रहा हूँ। सुबह स्कूल भेजा था तो स्कूल से वापस आऊंगा ना। ठीक है ठीक है। क्या हुआ मेरे चिट्टू को, क्यों रो रहे तू मेरे बच्चू, क्या हुआ? मारा। किसने मारा तुझे, किसने मारा? मैंने टीचर को मारा। टीचर ने फिर मेरे को मारा, मैंने फिर टीचर को मारा, फिर सिर्फ उसी ने मारा। लेकिन क्यों मारा उसने मेरे बेटू को? मम्मा मेरे से अजीब से अजीब सवाल पूछते, मेरे को कहता कि मेरे को ABC सुनाओ। हाँ? तो सुना देता बेटा, ये क्या अजीब सवाल हुआ? मम्मा जिसको आता नहीं उसके लिए तो अजीब ही हुआ ना। खैर छोड़ो, मम्मा मेरे को कॉमेडी करके बताओ। अरे बेटा ये क्या अजीब सवाल है, देखा तुम्हें आती नहीं, तुम्हारे लिए अजीब सवाल हुआ ना। मम्मी की इंसल्ट कर रहे, इतनी गंदी गंदी बात कहां से सीख के आता है तू? आज आने तेरे पापा को, तेरे पापा को तेरी शिकायत करूंगी मैं। बहुत तंग आ गई मैं। हेलो मम्मी, तेरी तो ये वो सीडी है दर्शकों, जिससे दिमाग को ठंडक और बदन को गर्मी मिलती है। ओह लॉर्ड हेल्प अस, रात रंगीन बनाओ। ये सीडी लगाई फिल्म की हीरोइन महबूबा, और फिल्म का नाम है चोली में करन। बेटा चीचू, ओए मम्मी आगे चैनल चेंज। बेटा 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 अंदर झांक के देखो, बेटा अंदर बनिया आ रही, लेकिन झांक के देखो। ओहो नीली साड़ी, नीले नीले अंबर पर चांद जब आया, बैकलेस पहना, बड़ा मजा आया। क्या? बेटा ये क्या है,
ये बाहरी वस्त्र क्या है, ये साड़ी, ये ब्लाउज, ये मिथ्य माया है। इसे त्यागो, मेरी शरण में आओ बेटा, मेरी शरण में आओ बेटा। मम्मा, बाबा, हाँ बेटा, प्रवचन सुनाओ, हमारा मूड मत बनाओ। तो बाबा के बारे में ऐसी बातें कर रहे, तेरा तो मैं दिमाग से ही करूंगी। पता है कितने महान बाबा हैं ये, इतनी आत्मा महापुरुष है ये, महापुरुष। इनके बारे में ऐसी बातें नहीं करते, इनके बारे में तो अच्छी अच्छी बातें कर और तेरा दिमाग भी अच्छा होगा, मालूम है तुझे। मेरी माँ को छोड़। अच्छा सुन, मैं खाना लगाती हूँ, जल्दी से तैयार होके आ जा। मुझे नहीं खाना तेरे हाथ का गंदा गंदा खाना। मेरे खाने के बारे में फालतू की बकवास मत कर, मैं खाना लगा रही हूँ, चुपचाप आगे खा लेना। अच्छा तो बेटा ज्ञान देखो, क्या खाना लगा, मैं सीढ़ी लगाता हूँ। इस घने जंगल में, अकेले घर में, मैं अकेली लड़की, सांसे गरम, मेरा बॉयफ्रेंड नहीं आया। मैं आऊं, आज तो मैं तुम दोनों का मिलन करवा के ही रहूंगा। मेरा बॉयफ्रेंड नहीं आया। बेटा तू क्या कर रहा है? हाय राम, राम 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 राम, ये क्या देख रहा है तू, गंदी गंदी चीजें हैं। देखो ना, मेरा बॉयफ्रेंड भी नहीं आया। जी 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 जी, अरे तुझे तो थप्पड़ पड़ने चाहिए, थप्पड़ पड़ने चाहिए, बेकार कहीं का। तू अपनी माँ को आंखें दिखा रहे, अपनी माँ को? बहुत स्ट्रॉन्ग बनता है अपने आप को, है? मैं स्ट्रॉन्ग हूँ बहुत ज्यादा, मेरे को कोई असर नहीं होता। अच्छा तो ये ले, ये ले, ये ले, ये ले, ये ले, ये ले। हाय हाय, कहाँ भाग गई मैं आके, तेरे को तो मैं नहीं। चल, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। अरे तुम मर क्यों नहीं जाता, मर क्यों नहीं जाता? मेरा बॉयफ्रेंड नहीं आया। अबे चुप कर साली। अरे और मेरा चीटू बेटा, मैंने ज्यादा मार दिया तुझे बेटा, बेटा रोना आ रहा है बेटा। चीटू बेटू सॉरी बेटू, अच्छा सॉरी बेटा ज्यादा लग गई। बेटा मुझे तुझे एक राज की बात बतानी है, जो तेरे पापा है ना, वो असली में तेरे पापा नहीं है। मेरा बॉयफ्रेंड नहीं आया। बेटा तेरे पापा फोन पे हैं बेटा, असली पापा। बात कर ले बेटा, बात कर ले। नहीं मैं करूंगा, तू चुप कर। बेटा बात कर ले, बेटा बात कर ले, बात मत कर लेकिन पूजा कर, पूजा कर, पूजा बेटा पूजा कर। तू पूजा पूजा बोली जा रहा, इधर मेरी माँ ने दूजा कर लिया। बेटा बात कर ले बेटा, मन को शांति मिलेगी बेटा, शांति। शांति मन को नहीं मिलती बेटा, शांति से मिलती है। शरीर क्या है, शरीर क्या है, 36, 24, 36, नहीं 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 बेटा, ये सब मिथ्य है, माया है बेटा, ये सब छाया है, कुछ है। मेरा बॉयफ्रेंड नहीं आया। अभी बात करती हूँ, चुप कर तू। कौन है साले तेरी माँ की यार? मैं कालिया। हाय डैडी, कैसे हो? यस डैडी, मिस यू डैड। आप होते कहाँ हो? मम्मा बहुत ही निकल रहे आपसे, मेरे को तो पहले से पता था कि मेरी रगों में एक खानदानी खून दौड़ रहा है। यस डैड, आई लव यू डैड, आई लव यू। मैं आपका बिजनेस आगे बढ़ाऊंगा, जो घाटा हुआ ना मैं आपके सारे कैलेंडर शूट करूंगा। हाय डैडी, मैं रखता हूँ। सोहेल अंकल, अर्चना आंटी, हमको कोई नंबर वंबर की जरूरत नहीं है। क्यों? क्यों क्या, अब मेरा बाप मिल गया है करोड़ों। बेटा बाप तो मिल जाए लेकिन माए बाप तो ये दोनों है, नंबर तो यही देंगे। ए चुप कर, तेरा बॉयफ्रेंड तो आया ही नहीं, तेरे को नंबर कैसे देंगे? मेरा बॉयफ्रेंड आ गया। कौन? नहीं श्रुति नहीं, सोहेल, वो तो है मेरा बॉयफ्रेंड। तो चल फिर उनसे ही पूछ, कैसा लगा तुम्हारा एक्ट? सोहेल अपने कमेंट्स तो दे दीजिए। जो आज पूरा एक्ट था, भारती उसकी एक एंकर थी, एक्ट की एंकर थी, एंड मेरा बॉयफ्रेंड नहीं आया। वो आपके जो उसके ऊपर जो सुई अटक गई थी जो आपने किया, वेल द टाइमिंग ऑफ द एक्ट वाज परफेक्ट। थैंक यू सर, थैंक यू सर। अर्चना, दिस एक्ट वाज डिफरेंट, यूनिक, बट इट वाज अ वेरी क्यूट एक्ट, वेरी नाइस। थैंक यू मैम, थैंक यू। तो सोहेल, इनके बॉयफ्रेंड तो आने नहीं वाले, आप जरा मार्क्स देकर ही खुश कर दीजिए। 9 points। ओहो, देखा देखा, फिर से रोल के लिए क्या क्या करते रहते हैं, इतनी गलत बात है।
please welcome Sudesh Bhosle as Akbar, Suhasi as Anarkali, and Rajiv Thakur as Tansen. हम हैं अकबर और शहजादा सलीम हमारे बाप हैं। ये बोला डायरेक्टर ने मेरा रोल चेंज कर दिया, इसलिए मुझे तानसेन का रोल मिला। ये उससे भी ज्यादा मुश्किल है, पता है। दीप जलाऊंगा। आप जलाएंगे कि मैं और गाऊं? नहीं नहीं। ये बहुत तो मैं हूं तानसेन, लेकिन मैं आज यहां पर अकबर का इंतजार कर रहा हूं। पता नहीं कहां है हमारे अकबर। तख लिया सारे टकले बाहर निकल जाओ। अनहोनी को होनी कर दे, होनी को अनहोनी, एक जगह जब जमा हो इतने। अमर अकबर मेरा नाम नहीं है, बस इतना ही था। जिल्लाही आप बादशाह हैं। हम बादशाह हैं। अबे तो पहले क्यों नहीं बताया? ठीक है, लेकिन बहुत नाराज हूँ। क्यों? हमारे बंगले के पीछे झाड़ियों में अनारकली के साथ पकड़ा पकड़ी खेलते हुए हमने सलीम को पकड़ा। एक तो आप बुजुर्ग हैं, ऊपर से अकबर बने हैं। सलीम जी बोलिए। और कहां बेचारे के नाम लगा रहे हैं झाड़ी। सलीम जी, सलीम जी और झाड़ी का कोई संबंध नहीं है, वो तो बड़े नेक आदमी है। वो तो फिल्म भी लिखते हैं, तो हीरोइन का कम माँ का रोल ज्यादा रखते हैं, पता। आप नाम बदलिए हुजूर, नाम बदलिए। ठीक है, हमने कल अपने बंगले की पीछे झाड़ियों में शहजादे सलमान को देखा। आपकी मार खानी बनती बनती है। अगर शहजादा सलमान है तो झाड़ी की जगह गाड़ी करो। तानसेन जी, आज हमारा एंजॉय करने का मूड हो रहा है। तानसेन, क्या बकवास कर रहे हैं आप? नहीं बदतमीज, हमारा मतलब है अनारकली को पेश किया जाए। अच्छा, हमारी आइटम पे आंख, यानी कि प्यार की कश्ती हमारी चप्पू ये बुड्ढा चलाएगा। नहीं चलाने दूंगा। अनारकली, अनारकली। लेकिन ये बता, आने में इतनी देर क्यों हुई? धोबी कपड़े ले गया था हुजूर। धोबी कपड़े ले गया तो कुछ और पहन के आती। कैसे आती? कपड़ों में मैं भी तो थी। जितनी बार ये लाइन यहाँ पर बोली उतनी बार फूटी। इसको ट्राइड एंड टेस्टेड लाइन दी, आज कामयाब हो गई। आगे से तुझे पंच दिया करेंगे। चुप रहो, कहाँ है मेरा सलीम? मैं किस किस को बचाता रहूंगा? सलीम जी बोलो। कहाँ है मेरे सलीम जी? बैंड्रा, क्या काम है बोल। क्या काम है इतना जरूरी तेरे को? नाम बदल मेरी माँ, नाम बदल। हाँ हाँ, कहाँ है मेरे शहजादे सलमान? कितना टाइम हुआ? टाइम क्या हुआ है? रात के 12 बजे है। तो बिजी होंगे। शूटिंग करते तेरी तरह वेले तो नहीं है बा? बदतमीज, सलमान को याद करती है, हम तुम्हें दिखाई नहीं देते। द मोस्ट डिजायरेबल ओल्ड मैन, आओ रोमांस करते हैं। ओह माय गॉड। तानसेन जी, गाना गाकर दीपक जलाओ।
मैं जलाऊं? हमें रोमांस करना है। एक तो ये बड़ी प्रॉब्लम, मैं गाता हूँ दीपक जलते नहीं, उल्टी हैलोजन फ्यूज हो जाती है हमारी तो। और वैसे भी दीपक मैंने जलाना, तो इनको 5-5 लाख क्यों दे रहे हो? सच बताने दो, हर बार झूठ बोलते रहते हैं। तुमने मेरे मूड की वाट लगाई है, आओ अनारकली हम तुम्हें बगीचा घुमाते हैं। किस गमले का नाम बगीचा रखा है आपने? देखिए अगर आप अनारकली को ले जाना चाहते हैं, आपको मेरी लाश पर से गुजरना पड़ेगा। कौनसेन, मैं तुम्हारी लाश के ऊपर से गुजर जाऊंगा। ले जाओ यार, इतना बुरा क्या मान रहे हो? इसको क्या, इसकी माँ को भी ले जाओ। श्रुति के साथ मैं क्या करूंगा? सूखी हड्डी, तकलिया। तो फिर आप उस सूखी हड्डी को शहजादा सोहेल को दे दो, वो तो नॉन वेजिटेरियन है, वो तो 2.5-2.5 घंटे मुर्गे की हड्डी से एंजॉय कर लेते हैं, इस हड्डी में तो फिर भी थोड़ा बहुत गोश्त है। शहजादे सोहेल, इस बदतमीज का सर कलम कर दो और हमारे हुक्म की तामील हो, तकलिया। अच्छा जी, भूलो तुम, कत्ल फिर भी मेरा ही। अच्छा करने के बाद भी कत्ल ही कराना है तो आपको मैंने क्यों लिया था? हम दोनों बुरे थे। तलिया। तकलिया। अर्चना, वेरी वेल डन राजीव, अमेजिंग सुदेश एंड सुहासी, यू आर टू गुड आल्सो, ऑल थ्री ऑफ यू आर फैबुलस एक्टर्स। क्योंकि राजीव ने गाना बंद कर दिया है इसलिए ये तानसेन का दिया जल गया। वाह भाई, सुहेल। सुहासी, जब आप एंटर हुई थी ना, द फर्स्ट थिंग आई सेड, हाउ ब्यूटीफुल इज शी लुकिंग। इट वाज एन एक्ट व्हिच हैड इट्स ओन पेस, आप लोग सब मजा मजा लेके कर रहे थे। राजीव, यू आर अ ग्रेट परफॉर्मर ऑन स्टेज, एंड सुदेश सर, मुझे मतलब आपका इंतजार रहता है कि आप कब आए और आप कब हमें एंटरटेन कर रहे। वाओ, थैंक यू। एंड नाउ जजेस फॉर द स्कोर, तो सुहेल 9 पॉइंट, अर्चना 10 पॉइंट। कृष्णा मौली की प्रिवेसी में किराएदार का फोन बन गया है हड्डी। प्लीज वेलकम कृष्णा एंड मौली एज हस्बैंड एंड वाइफ एंड सुदेश एज किराएदार। सुनो, कुछ मत कहना वरना सारे स्टैंड अप की एक हो जाएगी। निकल यहां से, मेरे स्टैंड अप के बाद ही तुम लोगों का क्रियाकर्म चालू होगा। अरे नहीं आना होगा तो मत आना, और आना होगा तो भी मत आना। जा रही हूं। पर जब तक आप स्टैंड अप करते हो तब तक मैं आपके लिए गरम गरम चाय लेकर आती हूँ। चाय बनाएगी तू मेरे लिए? मिट्टी का तेल यूज मत करना, बहुत महंगा हो गया समझी। चाय को सामने रखना, अपने मुंह से 2-4 गाने सुना देना, वैसे ही खोल जाएगी। इतना गंदा गाती हूँ मैं? इतना गंदा गाती है? अरे तू थोड़ी बहुत ठीक लगती है समझी, वरना सोहेल भाई 4-5 चप्पल निकाल के खींच के मारते तेरे को। नहीं 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 नहीं, उस दिन तो अर्चना जी कह रही थी कि तुम बड़ा अच्छा गाती हो। बड़ा अच्छा गाती हो, पता है क्यों? क्योंकि उनके पास चप्पलें नहीं होती। जा रही हूँ, पत्ती से कैसे बात करती हूँ पता ही नहीं आजकल। लाइनें बोल रही है वहाँ पे। अर्चना जी, अगर आज के एक्ट में आपको कुछ भी पुराना लगे तो बुरा मत मानना, क्योंकि रेट्रो है ना। रेट्रो अच्छा, और वैसे भी आपको कोई हक नहीं बोलने का, आप कौन सी फ्रेश है। नया क्या इस शो के अंदर? ये मौली ला कर दी हमको, बाद में पता चला ये भी 38 की है।
नहीं, मैं 38 की कमर की बात कर रहा हूँ। इस शो में सिर्फ दो ही आदमी फ्रेश हैं, मैं और सोहेल भाई, क्योंकि आज सिर्फ हम ही दोनों नहा कर आए हैं, समझे? सोहेल भाई, मैंने फिल्म देखी फर्स्ट डे फर्स्ट शो शोले, पापा को बोलना बहुत अच्छी लगी मुझे बसंती, लेकिन प्रॉब्लम है टिकट बहुत महंगा हो गया है यार, 4 रुपए का स्टॉल, 8 रुपए की बैल्कनी, मैंने स्टॉल की टिकट ले ली, लंबी बीवी है ना उसके कंधे पर चढ़कर बैल्कनी का मजा लिया मैं, इतना मजा लिया, इतनी ऊंचाई पर पहुंच गया था सर मैं कि जब रामगढ़ का सीन आया ना तो पहाड़ के पीछे गब्बर के अड्डे पर क्या चल रहा है मैंने सब कुछ झांक कर बता दिया गांव वाले। खैर महंगाई इतनी होगी, मैंने सोचा यार ये किराएदार एक रखूं बढ़ोतरी, घर चले मेरा, और अर्चना जी पूरे मोहल्ले में देखो सिर्फ मेरे घर पे टेलीफोन है। खैर मेरी बीवी कहाँ चली गई यार, चाय बनाने के लिए गई थी पार्वती। जी वो मैं चाय तो बनाने गई थी पर फिर ना थोड़ा सा मूड बन गया तो आपके लिए गरम गरम दूध लाई हूँ। दूध? हाँ, तेरे को मालूम है ना मेरे को दूध से एलर्जी है। एलर्जी है? पता है। पता है? हाँ। तेरे को पता है इस शो में कॉमेडी होती है? हाँ। तो फिर करती क्यों नहीं बैठू? चल भाई डायलॉग को ढंग से बोलती नहीं, 3-4 एपिसोड है मजे तो ले। हाँ जी कैसे हैं गुप्ता साहब? ये गुप्ता जी नहीं है पर डीन डॉल से तो यही लग रही है। कमाल, आपको क्यों गुस्सा आ गया भाभी जी? भाभी जी साले, अरे मैं गुप्ता जी हूँ, मेरी मिसिज है, मिसिज गुप्ता। नहीं अब ठीक है, आप पहले आप उल्टा पुल्टा खड़े, मेरे को पता नहीं चला। खैर आप कौन है? मैं मिस्टर दुग्गल साहब। क्या करने आए इधर? मेरे को पता चला था यहाँ पे कोई गरीब लोग रहते हैं, उनको कमरा किराए पे देना है, मेरे को लेना है। अच्छा अच्छा, सर जी किराए के लिए आए हैं आप? नमस्कार नमस्कार, बताइए सर कितना खर्चा कर सकते हैं आप किराए के लिए? देखो पहले तो मैंने सोचा था कि 20 रुपए महीना दूंगा आप। अच्छा, लेकिन अब तो 30 भी दे देंगे, क्या वसूल कर लेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। अबे क्या बकवास कर रहा है तू? नहीं नहीं, खैर हमारे घर में फैसिलिटीज बहुत है सर। सर फैसिलिटी में आपको सेपरेट बाथरूम भी मिलेगा। पहले बेड़ा गर्क कर दिया, इतनी अच्छी मालकिन हो और सेपरेट बाथरूम में मैं क्या करूंगा? देखो मैं ऊंच नीच में नहीं पड़ता, हम एक ही बाल्टी में तीनों नहाएंगे। चलेगा चलेगा। और कोई फैसिलिटीज चाहिए आपको? और बस सुबह सुबह भाभी जी के हाथों की बैटी मिल जाए बस। बैटी मिल जाएगी, लेकिन एक मेरी शर्त है। क्या? बैटी बनाने के लिए सुबह मेरे बेड से उठ के जाए। क्या बकवास कर रहे हैं आप? सॉरी ठीक है टी कैंसल। हाँ लेकिन उठ के सुबह मेरे बेड से जाए। काम करो ना, दे देंगे तेरे को साड़ी भी लेनी है ना उधर से। हाँ सर जी, तो घर आपके लिए रेडी रहेगा, आप कल सामान लेकर आ जाना। कल नहीं, मैं तो अभी लेके आया हूँ। नहीं आप समझते नहीं, एक्ट आज है सामान कल लेके आऊंगा, अपना सामान लेके घूम रहे हम, अपना साथी लेके आऊंगा। अच्छा अच्छा, थैंक यू, बाय बाय, अपने घर जा रहा हूँ मैं, कभी कभी मिलेंगे आपको मोहल्ले में। चलो किराएदार तो मिल गया। खैर हेलो हेलो, हाँ जी दुग्गल साहब, वाह वाह मजा आ गया, मैंने सुना यहाँ किराए पे कमरा लिया, फुलझड़ी रहती सुंदर सी वहाँ। साले मैं उसी फुलझड़ी का अनार, मेरा मतलब उसका पति हूँ मैं। सॉरी सॉरी सॉरी, बहन जी को फुलझड़ी जी को नमस्ते कहना, जरा दुग्गल साहब को बुला देंगे। अबे रात के दो बजे कोई फोन करता है क्या? दुग्गल साहब को बुला, हट। ओए फोन उठा फोन उठा, कमीना ये क्या मतलब हुआ, फोन रख दिया, फोन उठा, बात करनी है, फोन उठा। हेलो हेलो, हाँ दुग्गल साहब को बुला दो जरा। अबे इतनी रात को क्या काम है यार तुमको उनसे? अरे जरूरी काम है। क्या जरूरी काम है? उनको हाय हेलो बोलनी। साले हाय हेलो सुबह बोलना तू। अरे सुबह अपने काम जरूरी करेंगे कि फजूल की हाय हेलो बोलेंगे? अच्छा आप 2 मिनट में फोन करिए यार, मैं बुलाता हूँ दुग्गल साहब को। ओके 2 मिनट की बात है, टेंशन मत लेना। दुग्गल साहब, दुग्गल साहब, हाँ दुग्गल साहब फोन है, तुम रख लो। मेरी माँ का साले है, रख लो नहीं, कॉल आई है कॉल। कैसे कौन, किसने किया, मूंछों वाला है, क्लीन शेव है, कौन है वो? अबे फोन पे आदमी दिखता थोड़ी है यार, तुम क्या बकवास कर रहे हो? नहीं दिखता, एक मिनट बताता हूँ तेरे को। डार्लिंग इज कमिंग एट होम, कैसा मालिक रखा मैंने, एक मिनट। हेलो, हाँ दिख रहा हो कि नहीं?
फोन पे बात करना दिख रहा होगा नहीं तुम ये पागल कैसा बना रखा तुमने अरे पता नहीं किसी चिरकुटिया का फोन आया था बोला दो मिनट में फोन करूंगा गांव से फोन था आपका वेट कर लेते हैं हम भागे थोड़ी जा रहे सुनो तुम्ही से बात करो तुम्हें अक्ल चाहिए कैसे बात कर रही है ये क्या कर रहा है तू बाजू बैठो बाजू बैठो उसको बोलो बाजू सही रखो नंगे बाजू रख के बैठ जाती है मेरा क्या भी सबका दिल करता है अबे ओए रात को 2 बजे किसका फोन आया तुमको ये नहीं पता किसका फोन आया एक मिनट मेरे पास डायरी है 25-30 नंबर लिखे हैं रिश्तेदारों के किसी का जरूर होगा देखता हूँ हेलो राम प्रकाश कैसा है बढ़िया तूने फोन किया था इधर नहीं तो कर लिया कर यार नहीं नहीं प्रॉब्लम क्या है नो यार ना तू पागल है बात कर रहा हूँ उसको बेचारी को तंग कर रहे हेलो नहीं किया चलो देखता हूँ तो पता नहीं किसी ने किया हेलो हाँ जी सिंह साहब डेरा जून वाले हाँ जी कैसे हो अच्छा बिटिया हुई है हंसते हंसते पैदा हुई है वाह वाह ये देखना कॉमेडी सर्कस बनेगा कुछ सालों बाद हिट हो जाएगी जज हाँ जी हाँ जी नहीं नहीं कोई नहीं किसने फोन किया होगा दिमाग खराब कर वेरी गुड डार्लिंग ये हुई ना बात काम तमाम हो गया अब हम ये घर भी हमारा और तुम भी हमारी काम तमाम कर दी अर्चना जी सोहेल जी सानी दबा तेरी माँ का साकी ना का बड़ा कह रहे थे हम दोनों की जोड़ी कोई नहीं तोड़ सकता मार डाला दोनों को हमारी जोड़ी कोई नहीं तोड़ सकता हमारी जोड़ी उस मौला ने बनाई है ये मौली क्या तोड़ेगी अर्चना क्या आप सुदेश को अपने घर पे किराएदार रखेंगी फ्रॉम द टाइम मौली एंड यू एंटर्ड कृष्णा जहां से आपने अपने पहले लव्स बोले फ्रॉम माई साइड इट वॉज अ 10 इस एक्ट में वो रेट्रो का कंप्लीट फील था और ये बहुत ही नया अंदाज था जिसमें आपने पेश किया इस एक्ट को द एंडिंग वॉज सुपर्ब द बिगिनिंग वॉज सुपर्ब यू 3 वॉज सुपर्ब एंड कृष्णा एंड सुदेश यू आर एब्सोल्युटली माइंड ब्लोइंग टू गुड एंड दिस इज फॉर यू कृष्णा I think you're a great sport because ये जो हमारे टॉम एंड जेरी है दे आर द मोस्ट डेंजरस टीम किसी के आई मीन वो मतलब एक दूसरे को नहीं छोड़ते तो मतलब अगर कोई तीसरा आ जाए तो मतलब उसकी खैर नहीं वेलकम टू अ ग्रेट टीम एंड यू विल ओनली लर्न फ्रॉम कृष्णा एंड सुदेश थैंक यू Should I once again predict the ongoing love affair between Archana and Sohail? So there we go, a perfect 10 from both our judges. Yes. पहचाना मुझे अनूप टॉकीज परदेसी पुरा का टिकट चेकर आप अब नहीं पहचानेंगे मुझे एक टाइम था सर मेरे पास आके बोल के गई थी अगर मैं अपना खुद का टॉर्च ले आऊं तो भैया नौकरी दिलवा दोगे शो चालू होने वाला मेरे को टिकटें चेक करना है ऐसे छोटे मोटे काम तो होते रहते हैं ए टिकट 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 आ रहा है टिकट टिकट
इस गाने का हमारी एक्ट से कोई लेना देना ना है, पर आपने पिछली बार कहा था ना कि थोड़ा वही म्यूजिकल लौंडा है, गा नहीं रहा, एक्टिंग भी हाथ साफ कर रहा, तो मैंने कहा थोड़ा गाना गा के शुरुआत करते हैं। वैसे मैं आज यहाँ फिल्म देखने आया हूँ। नहीं नहीं, अकेले नहीं, अकेले नहीं, श्रुति नाम की मस्त भाभी बसाई है मैंने। बेबी जानू, ये लाइट्स क्यों ऑफ हो गई? राजा लाइट्स ऑफ हो गई राजा, अरे फिल्म शुरू होने वाली है। बेबी जानू सच सच बताओ, तुम मुझे फिल्म दिखाने लाए या मेरी फिल्म बनाने लाए हो? टिकट, बड़ी समझदार है तू। टिकट टिकट टिकट, अरे जनता आ गई, वाह 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 वाह, चलिए दिखाइए। क्या सुनो, नटी थॉट्स मेरे दिमाग में नहीं आते, मैं टिकट मांग रहा हूँ, टिकट दिखाओ। ए, हम यहाँ फिल्म देखने आए हैं। तुम तो फिल्म देखने आए, इसका चेहरा देख के तो लग नहीं रहा ये 250 रुपए खर्चा गया सिर्फ फिल्म के ऊपर। अरे तो अपना काम कर, चल चेक कर, चेक चेक करने के लिए मैं तो चेक करने कब से इंतजार कर रहा था। अबे क्या कर रहा तू? अबे टिकट चेक करने को बोल रहा हूँ, यहाँ कहाँ चेक कर रहा तू? अच्छा तू ऐसे पहले बोलना चाहिए ना, टिकट दिखाओ। अरे रे रे, तू तो लुट गया। क्यों? अरे तेरे साथ चोट हो गई, क्योंकि केवल वो वाली दो सीटें छुट्टी हैं जिसके ऊपर सबसे ज्यादा लाइट पड़ती ना, सब दिखाई देता दूर से। क्या हो रहा, जाओ बेटा वहां। तो मेरी बात सुन, बात क्यों, क्या हुआ? अरे कोने की देख, कोने की। अरे छोरी पहली बार फिल्म देखने आई है मेरे साथ यार, घर वाले देख लेंगे तो बवाल हो जाएगा, समझ रहे ना? बेटा तेरी जैसी हरकतें चल रही ना, तेरे घर वाले भी इधर ही किसी कोने वाली सीट पे बैठे होंगे। देख लिया था ना तुम्हारे साथ, क्यों बोला उन्हें? तो मैंने उनको बोल दिया मैं एग्जाम देने गई थी, लेकिन बाप तो आया मेरा, कहने लगा जो एग्जाम देने जा रही है उसका अगर रिजल्ट आ गया तो जान से मार डालेगा मुझे। फिल्म शुरू हो गई। अरे विक्टर जानू हो गई, अरे विक्टर, अरे कहाँ है? अरे कोई ट्रेन की तरह इसका भी चेन खींचो ना। अरे रुको यार, अरे रुको अंकल, सीट पे जाके बैठो ना आपने। अरे अरे मेरी चिकनी चमेली निकल जाएगी, एक बार गाना देख लेना तो। अबे दम तोड़े, अपनी चिकनी चमेली के चक्कर में मेरी सीला की जवानी को खराब कर रहा तू। अरे तो मिल बांट के खा लेते, मेरे मतलब मिल बांट के देख लेते, बैठो बैठो बैठो। अरे बेबी बैठो यहाँ पे। अरे अंकल फिल्म उधर चल रही है, उधर उधर क्या देख रहे हो? एक सेकंड रुको। अरे क्या कर रहा है इधर? मैंने सोचा जहाँ से आ रही है उधर से ही डायरेक्ट देख लेता हूँ। अबे जहाँ को जा रही है उधर को देख, सीधे बैठ। अच्छा हाँ, अरे हाँ एक सेकंड। अच्छा तुम्हें मालूम है इसके अंदर ना हीरो आखिरी में मर जाता है। अबे तेरी यार अंकल स्टोरी क्यों बता रहे हो यार, पूरा क्रेज खत्म कर दिया। तुमको देख के लगता नहीं तुम पिक्चर के क्रेज में आए हो बेटा, मालूम है ना? तू तो पिक्चर के क्रेज में आया ना, तू पिक्चर देख चुपचाप। अच्छा चालू करो ना पिक्चर, मैं तो कब से इंतजार कर रहा हूं तुम दोनों का। अबे ये नहीं, जिधर को दांत जा रहे ना उधर को देख सामने। एक सेकंड देखने नो। अरे मालूम है इस वाले सीन में ना हीरो को चाकू पड़ते 3 बार घपा 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 के। अबे सीन क्या हुआ? जानू जानू चलो कहीं और पिक्चर जाके देखते हैं, दूसरे सीन में चलते हैं। एक किसी भी थिएटर में जाओगे हीरो को तो पड़ेंगे 3 बार घपा घपा घपा, कौन नहीं तो क्या। एक सेकंड तू ये पकड़ मेरी बात मान, बेबी मेरी बात सुनो। एक सेकंड मेरा बटन भी खुल रहा है। अबे तू भी नकली, तेरी कोल्ड ड्रिंक भी नकली। अरे पगले कोल्ड ड्रिंक छोड़ी ना, वो तो मेरी तबीयत खराब है, थूकने के लिए रखा था। पूरा इंटरेस्ट खराब कर दिया। अच्छा एक बात बताओ, तुम ये लवर लोग जो है ना, तुमको इस पिक्चर में इतना इंटरेस्ट क्यों है? वो क्या ना, मेरे जानू बेबी ने ना इसमें म्यूजिक दिया है। कौन जानू बेबी का बाबा है पूरा का पूरा? मेरी बात म्यूजिक, म्यूजिक का नाम क्या है भाई? मीत ब्रदर। मीत ब्रदर, ये बड़ो चाली तो सिस्टर लग रही है। मैं जरा ओके आ रहा हूँ। हाँ। तू इसके मुंह मत लगना, ठीक है? मुंह कैसे लगेगी, दांत पड़ जाएंगे बीच में पागल। अबे अपने दांत से घायल करेगा क्या मेरी गर्लफ्रेंड को? तू दूर रही समझे, पास मत आई उसके समझा। तुम कहाँ जा रही हो? मैं जा रहा हूँ, वैसे तूने हमारी पूरी फिल्म खराब कर दी, पूरी फिल्म निकल गई हमारी। सुनो बुड्ढे मार डालूंगी अगर ज्यादा मुंह खोलेगा तो। तुम सुनो, तुम मुझे क्या मारोगी, अभी मेरा वेश मालूम पड़ेगा ना तब पहचानोगी। क्यों पहचाना मुझे? आप
लगती है तेरा? अरे नहीं, मिस्टर शर्मा का पति है यार। अरे मिस्टर शर्मा, मैंने कितने बजे का टाइम दिया था यार आपको, पूरा स्केड्यूल खराब कर दिया। अरे तू डबल टाइम कर रही है मेरे को, जान ले लूंगा तेरी। अरे काय कर, जान ले लेगा, पिक्चर खत्म हो रही है, पिक्चर देखेंगे, पिक्चर देखेंगे, एक्ट भी खत्म हो रहा है, एक्ट खत्म हो रहा है। अरे एक सेकंड, गाना गाना मेरे को। अरे हो गया यार, गाना खत्म, एक चुप कर मेरी बात सुन, ये मीत ब्रदर नहीं है तो ढीठ ब्रदर निकला यार इसकी ऐसी जैसी। ए चुप कर मेरी बात सुन, खत्म कर दे गाना यहां पे, नंबर नहीं मिलेंगे भाई। एक मैं और चुप कर, दो हो गया, खत्म खत्म, नंबर नंबर। अर्चना कैसी लगी आपको इनकी फिल्म? बहुत सारे अलग अलग लेवल्स पर ये एक्ट बहुत स्वीट था, बहुत एंटरटेनिंग था एंड बहुत सक्सेसफुल था। सो फॉर ऑल द एलिमेंट्स आई वुड लाइक टू गिव इट अ 10। वाओ, 10 पॉइंट्स। सीजन फर्स्ट फ्रेंड डू माय फर्स्ट। सोहेल, मेरे भाई तू सच में ख्वाब में हड्डी था यार। मैं यहाँ बैठे बैठे चाहता था कि इनमें कुछ हो, लेकिन तू होने नहीं दे रहा था। ग्रेट एक्ट है। थैंक यू। 9 पॉइंट्स। थैंक यू सर। Please welcome Abhijit as husband, Shimona as wife, and Kapil as Haddi. हमारे गांव में सब कहते हैं जब तक उनकी अस्थियां ना बहा दो तब तक वो आदमी जिंदा रहता है। ट्रेन अभी तक नहीं आई, मुझे एक ट्रेन की समझ नहीं आती। हम लोग थोड़ा सा लेट हो जाए हमारे लिए कभी नहीं रुकती। अब मैं आ गया हूं, अभी तक नहीं आई, अब मैं निकल जाऊं तो? ओह माय गॉड, ये लगा है मेरा रिजर्वेशन चार्ट। चिंटू एंड स्वर्गीय रतनलाल, यस, दोनों सीटें कंफर्म, यिप्पी। ओह माय गॉड, ट्रेन भी आ गई। अरे जल्दी चलो, जल्दी चलो, वो देखो ट्रेन प्लेटफॉर्म पर खड़ी है, जल्दी चलो। ए हेलो, ए तेरे को अकल नहीं है प्लेटफॉर्म पे कितनी भीड़ है? बच्ची को गोद में उठा। अबे वो मेरी बीवी है, बच्ची नहीं है। अच्छा हाँ, मैं भी कहूँ ये कैसा बच्चा साड़ी पहन के दौड़ता जा रहा है। कुल्फी वाला, मटके वाली कुल्फी, जानू मुझे कुल्फी खानी है। ए ये मटकी कुल्फी वाली नहीं है, मेरे ताऊ की अस्थि है। बड़ी तू तो कह रहा था मेरी बीवी बच्ची नहीं है, ये तो बच्चों जैसी जिद कर रही है। भाई माफ करना, हमें पता नहीं था। जानू देखो मरे हुए आदमी के बारे में ऐसे नहीं बोलते। ए मरा नहीं वो, जब तक ताऊ की अस्थियां नहीं बहा देते ताऊ जिंदा रहेगा। मैं इनकी अस्थियां बहाने जा रहा हूँ शिमला। देखो अस्थियां तो नदी में बहाते है ना, शिमला में पहाड़ों पर क्या करोगे तुम? ताऊ बड़े गर्म से भाव के थे, मैंने कहा पहाड़ों में दबाता हूँ, मरने के बाद तो ठंडे हुए। अरे वैसे भी देखो बर्फ पिघल के किधर मिलेगी, नदी में ना, तो इसी बहाने मेरा भी शिमला का ट्रिप हो जाएगा, दैट्स ऑल। लेकिन ऐसा ही था तो फिर कई गांव के आसपास किसी नदी में बहा देते? ये भैया गांव के आसपास नहीं बहा सकते, गांव की सारी औरतें खिलाफ थी ताऊ के। क्यों? ताऊ छड़ा था, सारी औरतों को तंग करता रहता था। जिस तालाब में नहाती थी ना औरतें, हमने पहले उसी में बहाया था। दो दिन बाद औरतें नहाने आई, कपड़े गायब। मैंने मटका घूमते हुए देखा, मैंने उठाया, 9 मैक्सियां निकली इसके अंदर से। क्या? Yeah, he used to wear sometimes bikini. अरे अच्छा छोड़ो छोड़ो, चलो हम लोग ट्रेन पकड़ते हैं, चलो चलो। ए ए ऐसे कहते, पहले मैं चढ़ूंगा, मेरे साथ बुजुर्ग हैं, इधर आओ। अरे ये क्या लिखा है, बिना टिकट यात्री होशियार, साले पागल। जिन्होंने टिकट नहीं ली वो होशियार, और हमने टिकट ली हम क्या बेवकूफ हैं? ये सीट, ये आइए ताऊ जी। सुनिए ये 42 और 43 नंबर है, ये हमारी सीट है। Shut up. ये हमारी टिकट है, ये क्या मतलब, वो हमारी है। एक सेकंड ताऊ जी, मैं बोल रहा हूँ ना, औरतों के मुंह नहीं लगते जा रहे, चुप रहिए। क्या? अरे हमारा रिजर्वेशन है भाई, यहाँ पे सिर्फ एक ही सीट रिजर्व है, वो मैडम की। बाकी सीटों पे बंदे बदलते रहते हैं। चुप रहे यार। ताऊ जी आप बीच में मत बोलिए, मैं घुमा दूंगा मटका, चक्कर आएंगे फिर। अरे लेकिन एक बात मुझे बताओ। क्या? तुम मेरी सीट पर बैठे हो, मैं तुमको प्यार मोहब्बत से बोल रहा हूँ, प्लीज उठ जाओ इस सीट से। कोई प्लीज नहीं, हरवे। देखिए ये सीट हमारी है, प्लीज उठ जाइए। हाँ तो मैं तो कह रहा हूँ, आइए ना बैठिए, आप प्लीज आइए बैठिए, आइए ताऊ जी, हम उधर बैठते हैं, इधर वैसे भी गंदा है। क्यों बे,
मैंने प्लीज बोला तो नहीं उठा, मेरी बीवी ने प्लीज बोला तो उठ गया। तेरी प्लीज के स्पेलिंग गलत थे बे, समझा क्या? ताऊ जी बैठ जाइए, आप आराम से बैठिए। हाँ उस सीट पर नहीं बैठना, वह भी उल्टी करके गया कोई वहां पे। ठीक है, जूते उतार दीजिए ताऊ जी, पैर ऊपर रख के बैठिए। अरे ये क्या मटके में से जूते? ए मैंने बताया ना, जब तक अस्थियां नहीं बहा देते आदमी जिंदा रहता है। ठीक है जो भी है, लेकिन इतना बड़ा मटका, जरूरत क्या है इतने बड़े मटके की? अस्थियां तो छोटे मटके में बहाते हैं ना। एक्चुअली एज ज्यादा हो गई थी ताऊ जी की ना। अच्छा, थोड़े फैटी भी थे, छोटे घड़े में आ नहीं रहे थे। ये तो अभी मैं ताऊ का आधा पोर्शन लेके आऊँ, इतना इतना आधा तो मैं कहीं और बहा के आऊँ। क्या तो आधा कहीं और आधा कहीं और, ऐसा क्यों? नहीं बाबा, इनके हाथ पांव साथ में बहाओ ना तो तैर के आ जाते हैं। He was a very good horse rider also. लेकिन मरे क्यों? Oh, so sorry. Sorry, sorry. Get away. मरे क्या? कमीज का कॉलर काट रहे थे, मर गए। कमीज का कॉलर काटने से मर गए? कमीज पहनी हुई थी तो माली मिल। अरे तो कमीज उतार के काटते ना। अबे कैसे उतारते, ऊपर वाला बटन बंद था, तेरा दिमाग खराब है? आ जाते बेवकूफ लोग सफर करने। वैसे जहाँ कहाँ रहे हो? हम लोग तो शिमला जा रहे हैं हनीमून मनाने। अच्छा सुनो, इतनी दूर जाके भाभी को तकलीफ देने की क्या जरूरत है? क्या मतलब? मेरा मतलब इधर आसपास कहीं चले जाते, स्विट्जरलैंड चले जाओ। अरे सुनो मेरी बात सुनो, अभी सीजन चल रहा है, बड़ा रश होता है इधर होटलों में, बड़े महंगे महंगे कमरे, अगर आप कहो तो हम कमरा शेयर कर लें। अबे यार मेरी बीवी है वो, मेरे साथ है वो। अच्छा तभी तो कह रहा हूँ, तेरे में क्या इंटरेस्ट है मेरे को? साहब पागल, एक मिनट था, चुप रहो ना, मर गया बुड्ढा, ठंडा नहीं हो रहा, लेते कमरा शेयर करते हैं। देखो हमारा होटल में रूम बुक है। तेरा दिमाग खराब है, शादी के बाद भी लड़की को होटल में लेके जाएगा? अबे इसको घर लेके जाओ, उसको भी कुछ नया नया लगे। और तू भी कुछ बोल, तेरे से ज्यादा लाइनें तो ट्रेन के पास है, देख एक और दो। ठीक है ठीक है, वैसे भी हमारे यहाँ पतियों के सामने ज्यादा नहीं बोलते। पतियों? कितने पति तेरे हैं? और आज चल पति लेके आई है, पहले कौन सा पति को लेके आती थी, तब कौन सा तीन तीन पेज की स्क्रिप्ट बोल के गई तू इधर? ताऊ जी आप पीछे में मत बोलिए, ट्रेन तेज हो गई, माय गॉड। ये क्या कर रहे हैं साले? तू अभिजीत सावंत है कि राखी सावंत? ये क्या मतलब होता है? जानू तुम कुछ खाओगी? हाँ जानू। ए जरा जानू जानू मत करो, बुजुर्ग बैठा हुआ सामने। क्या ताऊ कहते करो करो, ही इज एंजॉयिंग। वैसे एक बात बताओ, टाइम क्या हुआ है? 10 बजे। 10 बज गए? ओ माय गॉड, ताऊ के खाने का टाइम हो गया। अबे ये क्या कर रहे हैं? अरे बाबा बच्चे बुजुर्ग खाना बड़ा गिराते हैं, मुंह में दांत नहीं होते ना, ये तो कुल्फी चूसते एक स्क्रैच तक नहीं आता, पोपले ना। क्या खाओगे दद्दू? ये बियर की बॉटल। बड़ा तेज बुड्ढा है, बियर पी रहा था। नहीं पीनी बियर, चुपचाप सो जाओ। सो जाओ, ठंड लग रही तेरे को। अरे ओ भैया क्या अभी जाने दो यार, आखिरी सफर है बेचारे ताऊ का, एक थोड़ी सी बियर पिला दो कि क्या फर्क पड़ेगा? ए जरा तरस मत खाओ उस पे, अगर उसको बियर चढ़ गई ना तो मेरा कुछ नहीं जाएगा। इधर कंबल में घुस के सोएगा बुड्ढा, तेरा शिमला वाला कमरा बिखार जाएगा रेंट उसका। वैसे कंबल तो होएगा आपके पास? हाँ है ना, लेकिन लेकिन एक ही और वो हमें चाहिए, बहुत सर्दी है। तुम्हें काई सी सर्दी लगी, तुम तो दो लोग हो। तो दे दो ना, मेरे साथ बुजुर्ग है, मैं कौन सा अपने लिए मांग रहा हूँ, दो ना कंबल। अरे दे दो बाबा, इसमें क्या है, डरो मत, हम शेयर कर लेंगे, ऐसे मिल बांट के सफर कटता है। वैसे कहाँ से लिए? क्या ये कंबल? कंबल ले लो, सर्दी बहुत हो गई है, पहली बार इतनी सर्दी हुई है, मैं देख रहा हूँ। हाँ ले लो ले लो, कंबल लो। चलो ठीक है, कंबल ले लो, मिल बांट के लेते। जानू जानू क्या कर रहे हो, पैर हटाओ ना। अरे पैर कौन सा, मैं किधर पैर मार रहा हूँ? मेरे को सपने सिखा दिया, क्या किया मैंने मेरी बीवी के साथ? क्या कर रहा था तू? क्या किया मैंने? अरे पैर क्यों मार रहा था मेरी बीवी को? मेरे एक सेकंड, ए ताऊ तेरी बहू की उम्र की क्या कर रहे तू? हट जा। ए ओ माय गॉड, टनल आ गई, झुक जाओ झुक जाओ। क्या? अबे टनल आ गई, झुक जाओ झुक जाओ। ओ माय गॉड, एक तो ये मुझे सुरंग से बड़ा डर लगता है। ओ माय गॉड, थैंक गॉड। अरे मेरी बीवी किधर है, मेरी बीवी किधर है?
तेरे साथ आई थी, मेरे को क्या पता? अबे मेरी बीवी किधर है? ए, मेरे को नहीं पता बे। अबे तेरे इधर तो बैठी थी, अभी किधर गई? तो तेरे भी तो इधर बैठी थी। और तेरा ताऊ? ताऊ नहीं, ओ माय गॉड, मेरे ताऊ भी नहीं है मटके में। अबे तेरे ताऊ ने गायब किया मेरी बीवी को। अबे मेरे ताऊ ने नहीं गायब किया, मेरे को क्या पता किसका ताऊ था वो। अबे तू तेरे साथ ही आया था ना? अरे हमारा नहीं, मेरा सिर्फ मटका था कंपनी का। हम लोग अस्थियां एक्सपोर्ट करते हैं, मेरे को क्या पता कहाँ चला गई वो। अबे तू पागल है क्या? ए, किसी को बताया ना मैं पागल हूँ? साले मैं तेरी मारूंगा नेल कटर, तेरे मैं नेल पॉलिश करके रख दूंगा तेरी। मेरे से नहीं रहा जाता पागल खाने में। बेवकूफ, अरे आ गई मेरी बीवी, आ गई मेरी बीवी, आ गई। कहाँ से आई इतना घोरा मुंह करके? वो बुड्ढा इस कमीने का ताऊ मुझे छेड़ रहा था, जबरदस्ती कर रहा था। मैंने उसको ट्रेन से धकेल दिया। नहीं, मेरे ताऊ को धक्का दे दिया, मार दिया मेरे ताऊ को, माय गॉड। अरे लेकिन वो पहले से मरा था यार। ए, मरा वरा नहीं था वो। वो तो हम लोग टिकट बचाने के चक्कर में मटके में लेके जा रहे थे उसको। माय गॉड, मेरे ताऊ को मार दिया। अर्चना जी क्या दिख रहा है? किस चीज की वेट कर रहे हो आप? एंड की, एक्ट के एंड की वेट कर रहे हो? यहाँ पर एक आदमी का एंड हो गया, एंड के एंड क्या करेंगे? ताऊ की आत्मा की शांति के लिए दो दिए जला दो। और क्या कहें? सोहेल, क्या आप इनके साथ शिमला जाना चाहेंगे? मैं तो सिर्फ यही कहना चाहूंगा, क्या कपिल में वो टैलेंट है जो मुर्दे में भी जान लेके आ जाए? ये ताऊ जो थे वो आप सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट थे ताऊ। वो कॉमेडी कर रहा था पता नहीं कैसे, और ये सिर्फ आप ही कर सकते हो। थैंक यू सोहेल भाई। आपका जो एक एक्ट था, इट इज अ वेरी वेल रिटन एक्ट, वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्ट्स ऑफ द एपिसोड टुडे। थैंक यू भाई। अर्चना, ये जो एक्ट कपिल का लिखा है, आज हमारे जो मेन राइटर है राज शांडिल्या, उनका 500 स्क्रिप्ट है। शिमोना एंड अभिजीत, यू डिड वेरी वेल। लेकिन कपिल, आपके थ्रू जो हमने ताऊ को देखा, वो जो एक मटके के अंदर बंद, आपने उसके बावजूद वो उस किरदार को जगा दिया, एब्सोल्युटली माइंड ब्लोइंग, टू गुड। तो सोहेल, आप ताऊ को कितने पॉइंट्स देंगे? साइमल्टेनियसली। वाओ, For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.